टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखें हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के 2.0 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन यानी CDRI की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन यानी CDRI को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी दी है। चलिए जानते हैं CDRI के बारे में। इसका पूरा नाम द कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन है। यह राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों की वैश्विक साझेदारी है। इसमें बहुपक्षीय विकास बैंक और वित्त पोषण तंत्र, निजी क्षेत्र और शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान भी शामिल हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन के बाद भारत सरकार की दूसरी बड़ी वैश्विक पहल है। इसके उद्देश्य की बात करें तो जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए बुनियादी ढांचा प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ाना, जिससे सतत विकास सुनिश्चित हो। इसे वर्ष 2019 में न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट में लॉन्च किया गया था। इसका सचिवालय नई दिल्ली, भारत में है। इसके सदस्यों की बात करें तो इसकी स्थापना के बाद से 31 देश, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 2 निजी क्षेत्र के संगठन सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुए हैं। यह जलवायु परिवर्तन और आपदा लचीलापन के मुद्दों पर भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित करता है। चलिए देखते हैं इस वर्गीकरण के उद्देश्य और महत्व के बारे में। CDRI को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य हैं अन्य देशों में विशेषज्ञों को नियुक्त करना जो विशेष रूप से आपदा जोखिम के प्रति संवेदनशील हैं, सदस्य देशों से योगदान प्राप्त करना, लचीला बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए देशों की सहायता के लिए तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराना, लचीले बुनियादी ढांचे के लिए उपयुक्त जोखिम शासन व्यवस्था और रणनीति अपनाने में देशों को सहायता प्रदान करना और सतत विकास लक्ष्यों, पेरिस जलवायु समझौते और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप लचीले बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव का लाभ उठाना है। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन यानी CDRI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इसे 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। कथन दो है, यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बाद भारत सरकार की दूसरी बड़ी वैश्विक पहल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।